शिमला में एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। ये व्यक्ति 19 वर्ष का बताया जा रहा है और ये दिल्ली से सामान लेकर शिमला जा रहा था। शिमला के समीप इस युवक के सर पर चोट लग गई और इसे IGMC लाया गया और जहां इसकी मौत हो गई। इस युवक का जब टेस्ट करवाया गया तो ये कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके साथी का भी जब टेस्ट करवाया गया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनकी जब ट्रेवल हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि ये व्यक्ति सोलन में अपने साथी के साथ वार्ड नंबर 4 के ब्रूरी में कल एक ढाबे में रुके थे। ढाबे का नाम चलता फिरता ढाबा बताया जा रहा है। जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने उस क्षेत्र को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में 3 लोग आए थे जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया। अधिक जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 4 की पार्षद स्वाति ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके वार्ड में स्थित चलता फिरता ढाबे में पिछले कल 2 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति शिमला जाते हुए रुके थे तो उन्होंने इस बारे में नगर परिषद अध्यक्ष और हेल्पलाइन पर इस बारे में जानकारी दी और साथ में ढाबा संचालक को घर पर ही रुकने की सलाह दी और किसी से मिलने को भी उन्हें मना किया गया। नमस्कार जी, मैं स्वाति वार्ड नंबर 4 से। जैसा कि मुझे आज 3 बजे मालूम हुआ कि मेरे वार्ड के अंतर्गत आने वाला चलता फिरता ढाबा जो कि ब्रूरी में है, वहां कल 2 कोरोना के मरीजों ने खाना खाया। जैसे ही मुझे ये सूचना मिली, मैंने तुरंत अपने नगर परिषद के चेयरमैन और हेल्पलाइन नंबर पर सूचित कर दिया और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन्हें फिलहाल हमने अभी क्वारंटाइन रखा हुआ है।